Welcome to our pet setup. Bismillahirrahmanirrahim. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehne wala hai. Assalamu alaikum pyare dosto bhai behno, kya hal chal hai? Theek thaak hain? Umeed hai ke Allah taala ke fazl o karam se aap sab khair khairiyat se honge. Alhamdulillah, alhamdulillah hum sab bhi khair khairiyat se hain aur mashallah se hamare sare janwar bhi khair khairiyat se hain. Aap andar dekh sakte hain. Abhi andar jata hu to aapko andar detail dikhata hu ke mashallah se sab khair khairiyat se hain aur sare theek thaak hain. Kal रात आलमोस्ट सारी रात बारिश रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो ये सेटिंग हमने की थी, ये सेटिंग ठीक हो गई है। इससे ना केज के ऊपर पानी गया है, ना ही जानवर जो से हैं उनको प्रॉब्लम बनी है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। आज धूप जो सी है वो अब प्रॉब्लम नहीं कर रही, धूप ठंडी है, मतलब उसमें इतनी गर्माइश नहीं है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये भी रीज़न हो सकती है कि सुबह सुबह का टाइम है। और बाकी अंदर चलते हैं और अंदर चल के मज़ीद डिटेल आपको बताते हैं, और एक दो चेंजिंग करने का मैं सोच रहा हूँ, तो वो भी आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल से आपको बताते हैं। ये देखें, मुर्गियों को आज़ाद किया हुआ है, क्योंकि दो दिन हो गए थे ये बंद थी, तो चूचा गैंग जो है उसको मैंने यहाँ पर बंद किया। ये देखें, चूचा गैंग हमारा यहाँ पर है, वो चेक करें। इनको इसलिए यहाँ पे किया ताकि मुर्गियाँ जो हैं वो थोड़ी देर जो हैं वो घूम फिर लें, उसके बाद फिर चूचा के अंदर आज़ाद कर दूंगा और इसको जो है ना फिर मुर्गियों को बंद कर दूंगा वापस। अच्छा, मैं और अब्दुल्ला डिस्कशन कर रहे थे। अब्दुल्ला, मैं कह रहा था कि जो ये हमने सेटअप बनाया हुआ ना यहाँ पर, ये जो आप भी देख सकते हैं, ये वाला जो सेटअप हमने बनाया हुआ था, इसको हम जो ख़त्म करके ना यहाँ पर एक केज इस तरह से बना लें, पिंजरा जिसका फर्श यही यूज़ हम कर लें, और उसकी साइडें आ जाए, उसकी लेंथ जो है ना वो इसी केज की, जिस तरह से आप देख सकते हैं ना इसकी जो लेंथ है, इससे लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर लें यहाँ तक इस पिलर तक, और चौड़ाई इससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें ताकि ये गली बीच में रह जाए। थोड़ी सी ज़्यादा करें, ज़्यादा ना करें, और मेरे ख्याल से ये मुर्गियों के लिए अच्छा सेटअप बन सकता है। क्या ख्याल है अब्दुल्ला? बेहतरीन है, बेस्ट है, सही नहीं हो जाएगा? हाइट थोड़ी कम रखेंगे, हाइट इतनी ठीक है जितनी इसकी हाइट है ना, चौड़ाई हाइट इतनी ठीक है, और ये एक ऐसे फ्रेम हम बनवा लें तो वो फ्रेम मेरे ख्याल से ईजी हो जाएगा, उसके ऊपर फ्लेक्स वगैरह रख के उसको बारिश से भी कवर कर लेंगे, और नीचे ये जानवर भी जो है ना इनको अच्छी जगह मिल जाएगी चलने फिरने के लिए, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, और मेरा पहले प्रॉब्लम यही था कि मुर्गियां ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर सोचा ये कि सर्दियों में अंडे इनके क्यों ज़ाया करें हम, तो ये एक सेटअप इस तरह से कर लेते हैं, इसी सेटअप के अंदर वो हमारा सेटअप चल जाएगा। तो आप सब भी कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा ये आइडिया आपको कैसा लगा, कि यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करके यहाँ से ऐसे एल शेप एक केज आ जाए जिसका फर्श यही यूज़ हो जाएगा, और उसके छत के ऊपर हम फ्लेक्स रख लेंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये देखें, घूम फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं खरगोशों के साथ, अपनी पुरानी जगह पे आ गए हैं ये सारे, और वहाँ पे हमारे जो कबूतर है किंग, वो भी दाना खाने के लिए उठा हुआ है, लेकिन उसने अंडे एक्सेप्ट कर लिए हुए हैं, और यहाँ पर भी जो हमारे कबूतर अंडों पर बैठे हुए हैं तो भाई माशाल्लाह से ड्यूटी अच्छी दे रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी माशाल्लाह से सही चल रही है। और चूचा गैंग हमारा आज कैद है, थोड़ी देर के लिए उनको कैद इसलिए किया है कि वो ज़रूरी होता है, ताकि इनको उनको इनके साथ छोड़ नहीं सकते। ये देखिए इनके काम देखें। अच्छा, ये मुर्गी अभी तक इनके साथ एडजस्ट नहीं हो रही, ये पता नहीं क्यों टाइम ले रही है। और यहाँ पर हमारा ये देखें जो लका का जोड़ा है, ये यहाँ पर खुश है, ये यहाँ से बाहर ही नहीं आ रहा, वो दाना शाना खाने तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, आओ दाना दाना खा लो, आके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ए आ जाओ, ए आ जाओ, दाना शाना तो खा लो। ये जोड़ा हमारा इधर है, इसके अंडे मैंने उठा के ना किंग को दे दिए। अरे देखिए अंडे, इधर अंडा कोई नहीं है, तो अब ये परेशान है कि मेरे अंडे किधर गए हैं, ये अंडे सही पालते नहीं है, अंडों में से फर्टाइल भी बच्चे करवाते, और बच्चा अगर निकल आया तो उसे फीड नहीं करवाते सही, इसलिए फिर इनके अंडे जो हैं ना मैंने उनको दे दिए। किंग खाना दाना खाना आया ना, उसे दाना खाना से वो बैठा है, लेकिन किंग है कि किंग अच्छी ड्यूटी देता है, और किंग सही चल गया, वो मैं चेक करना नहीं, उसने सची होते उसने मुर्गी का अंडा रखा सी ना, उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया मुर्गी का अंडा, उन्होंने मेरी सलाह मैं दूसरा अंडा वाला दे देना पकड़ी जरा, तो मैं ये ना ये अंडा कोई भी नहीं इस पर बैठा, ये अंडा दिया था हमारे ये जो कलर वाला ये जोड़ा है इसका, तो ये भी अंडा जो है ना मैं उसको दे देता हूँ, उसके नीचे फिर दो अंडे हो जाएंगे।
ये इस तरह से हम अंडे चेंज करते हैं और इस तरह से अंडे जो होते हैं ना वो एक दूसरे के नीचे रखते हैं और इससे ये होता है कि जो कबूतर आपका अच्छा चल रहा होता है वो आपका अंडे ये भी बच्चे अच्छे पालता है, अंडे अच्छे अंडों में से बच्चे अच्छे निकालता है। तो इसलिए इस जोड़े को भी वो देखें, उसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप अंडों को आपने नीचे कर रहा है, कवर करके ऊपर बैठ गया। अब एक नीचे, उसके नीचे मुर्गी का अंडा है और एक इस जोड़े का अंडा है। ये जो इसने अंडा छोड़ दिया था क्योंकि कल मैंने ना इसकी थोड़ी सी चेंजिंग की थी, यहाँ पे इसने यहाँ पे अंडा दिया हुआ था और यहाँ ये मैंने बूरा रख दिया था इसके अंदर, तो बूरा रखने की वजह से इसने इधर छोड़ दिया था बैठना। हाँ जी, दाना नहीं खाना आज उठ के? ये मेरी बड़ी पाली है, ये अब आधी हो गई है, ये नहीं अब डरती मुझसे। मेरी भी आधी हो गई है, बस थोड़ा थोड़ा काटती है। आगे हो आप, क्या हाल है? ठीक हो? ये देखो हमारा बब्बर शेर। पापा इसने कल मुझे चुंझ मारी। चुंझ मारी है? क्यों चुंझ मारी है? आता भी नहीं मेरे पास। क्यों चुंझ मारते हो? हैं? किधर भाग रही है, किधर भाग रही हो? सब मिलना चाह रहे होते हैं आपसे। चलो जाओ ताकि काम चेक करें। दाना हाथ पे रख के इनको दाना खिला रहा है। उसे क्या कर रही हो? दाना खाया था अभी, वो अभी डर रहे हैं ना, अभी पास नहीं आ रहे। और नीचे जो गिरा हुआ है वो खा लेंगे तो फिर आके खाएंगे आपके हाथ से। ये देखें, ये देखें, तो अभी आपके हाथ उनके पास करो। क्या कर रहे हैं? नहीं आ रहे? वो सारे डर के पीछे पीछे हट गया, सारे डर के पीछे पीछे हो गए हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह पाक हम सब के जानो माल में बरकत डाले। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त है अपने भाई को, मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ। ये देखे ये मस्तियाँ कर रहा है, मुसा नहीं कर रहा इसका। तो ये आज नाराज़ हुआ है, पता नहीं क्यों नाराज़ हो जाता है ये। तो ये जानवर फिर इसी तरह से होता है, इनको टाइम ना मिले तो फिर ये अपना बताते हैं जी कि मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, मेरा टाइम था, मुझे टाइम देना चाहिए था आपको। तो इजाज़त है अपने भाई को, मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला आपसे एक नई सुबह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।